खेतों में बनी कोठी में लगी आग, अंदर रखा सामान जलकर हुआ राख। पूरा मामला हदरुक चौकी क्षेत्र के अतरछला का है, जहां पर रात के समय अज्ञात कारणों के चलते खेतों पर बनी बोरिंग में आग लग गई, जिससे बोरिंग के अंदर रखा हुआ सामान व 300 पाइप जलकर खाक हो गए। जबकि बोरिंग मालिक लखपत सिंह का कहना है कि यह आग किसी के द्वारा लगाई गई है। बोरिंग के अंदर लगभग 300 प्लास्टिक के पानी लगाने वाले पाइप तथा लगभग 2 क्विंटल जीन एवं रोजमर्रा के लिए बनाने वाला खाने का सामान, एक तखत व कपड़े एवं विद्युत उपकरण के सामान जलकर खाक हो गए हैं। उनका कहना है कि यह आग रंजिश के चलते लगाई गई है, क्योंकि पानी को लेकर छोटे मोटे वाद विवाद होते रहते हैं। यदि देखा जाए तो इस आग के लगने से काफी नुकसान हुआ है, जबकि बोरिंग मालिक ने अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी है और कहा है कि पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जांच कर कार्रवाई की जाएगी, अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। किस गांव के निवासी आप? ग्राम अतरछला। क्या मामला है यहाँ का? मामला ये बोरिंग चल रही थी, अज्ञात लोगों ने रंजिशो बस इसको मतलब पाइप वगैरह से आग लगा दी गई इसमें। ये 2:30 बजे रात की घटना है। ये मुझे मेरे नौकर द्वारा सूचना दी गई मोबाइल पर। नहीं जी, मैं नहीं था, मैं शादी में गया हुआ था। क्या था मुझे कि मतलब यहाँ पर नौकर हमारा थोड़ा बीमार था, वो अपने घर पर सो रहा था और यहाँ आग जलते हुए लोगों ने बताया कि आग जल रही है, और जब तक कि सब लोग भागे तब तक आग काफ़ी बैठ चुकी थी, जिससे कम से कम 300 पाइप जल गए, कोठी की पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई, बोर्ड बोर्ड सारे जल गए और मतलब काफ़ी नुकसान हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है। ये शॉर्ट सर्किट नहीं, ये रंजिशो बस किया गया हुआ है। शॉर्ट सर्किट है या क्या है ये तो इन्वेस्टिगेशन मतलब पुलिस का एक वो है, ये हमें इसकी पूरी अभी मतलब जानकारी नहीं मिली अभी। मतलब कार्रवाई चल रही है? कार्रवाई चल रही है। जनपद जालौन की लोकल खबरें देखने के लिए जालौन लाइव टीवी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं।